Good morning everyone. So happy Saturday. So मैं कल जा रही हूँ अब वापस चंडीगढ़ because Hadi needed me for today. ये तो मैं अभी तक निकल चुकी होती तो he said that जब तक वो चला नहीं जाता I should stay here because he never knows कि कब क्या किस चीज़ की ज़रूरत पड़ जाए. So I thought okay fine. I will stay for one more day, but ek tarah se acha hi ho gaya because I just got my fab bag for month of March, and I'm just gonna shoot an unboxing video. So uske liye mujhe time bhi mil gaya hai kyunki aaj kuch zyada khas kaam nahi hai. Packing ho chuki hai aur kapde bhi dhone wale nahi hai. ज़रा सा थोड़ा सा ही लॉट था वो मैं लगा चुकी हूँ. सो घर का ज़्यादा काम नहीं है सो आई कैन ईजिली वर्क ऑन माई वीडियो. जो मेरी सेलिब्रिटी इंस्पायर्ड वीडियो है वो काफ़ी हद तक एडिट हो चुकी है. आई जस्ट हैव टू डू सम फाइनल टचेस और वॉइस ओवर करना है. बट समझ नहीं आ रहा वॉइस ओवर हिंदी में करूँ या इंग्लिश में. वैसे मेरे हिसाब से मुझे हिंदी में करना चाहिए बिकॉज शी इज़ अ वेल नोन सेलिब्रिटी, बॉलीवुड सेलिब्रिटी. सो और मैं हिंदी में ही करना चाहूँगी उसकी उस वीडियो का वॉइस ओवर. सो आई थिंक आई बी डूइंग इन हिंदी एंड या पहले मैं एडिट करूँगी, देन आई एडिट माई व्लॉग एंड देन आई शूट माई अनबॉक्सिंग वीडियो फॉर माई फैब बैग. मुझे समझ नहीं आ रहा वेदर शुड आई डू अ लाइव सेशन और नॉट. सो आई एम अ लिटिल यू नो डाउटफुल अबाउट दैट कि मुझे क्या करना चाहिए. तो आई विल सी, देखते हैं लाइव करें या फिर प्री रिकॉर्ड करूँ मैं. सो आई क्विकली शॉर्ट अ वीडियो अनबॉक्सिंग फैब बैग और मैं कोशिश करूँगी कि मैं आज के आज ही वो डाल दूँ बिकॉज मैंने थोड़ी सी अपडेट भी दी है उसमें और मैंने वो हिंदी में ही की है वीडियो. सो मैं आज ही कोशिश करूँगी कि मैं एडिट करके डाल दूँ. अभी तक मेरी सेलिब्रिटी इंस्पायर्ड वीडियो पूरी एडिट नहीं हुई है सो अभी मैं उसी पर बैठूँगी काम करने. और मैंने जो फैब बैग की वीडियो बनाई है ऐसे ही बनाई है विदाउट एनी मेकअप. मैंने सिर्फ लिप बाम लगाया है और थोड़ी सी आईब्रोज फिल की है, दैट्स इट. कोई कंसीलर नहीं है, कोई फाउंडेशन, कोई सीसी क्रीम, कुछ भी नहीं है फेस पे. नो मेकअप, इवन नॉट इवन लिपस्टिक. सो आई डोंट नो हाउ विल पीपल रिएक्ट टू माई बेयर फेस. वैसे तो उन्होंने देखा ही है बट मैंने कभी ऐसे लाइक यू नो वीडियो जब मैं विदाउट मेकअप करती हूँ मुझे बहुत से कमेंट्स आते हैं कि मैं बहुत डल लगती हूँ. ठीक है भाई, मेकअप आपको बहुत अच्छा ग्लो देता है बट यू शुड बी कंफर्टेबल इन योर ओन स्किन जो कि मैं हूँ. तभी मैं व्लॉग्स भी करती हूँ तो आपने देखा मैं बहुत बुरी हालत में होती हूँ बिकॉज आई एम कंफर्टेबल इन माई स्किन. दो आई लव डूइंग मेकअप, आई लव ट्रांसफॉर्मिंग माई सेल्फ, बट स्टिल मुझे कभी विदाउट मेकअप कैमरा के सामने शर्म नहीं आई है बिकॉज आई लव द वे आई एम. या सो इसी रीज़न की वजह से मैंने ये जो वीडियो है विदाउट एनी मेकअप की है. सो अभी बस अपनी सेलिब्रिटी इंस्पायर्ड वीडियो पे काम करूँगी, उसके बाद फटाफट से आई एडिट माय फैब बैग अनबॉक्सिंग. और अनबॉक्सिंग एडिट करने में मुझे ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, मेन टाइम इसी में लगेगा जो सेलिब्रिटी इंस्पायर्ड है. और मेरे लैपटॉप में स्पेस कम रहती है तो ऐसा नहीं है कि मैं दो वीडियो एक साथ एडिट करने लगा दूँ, उससे क्या होता है स्पेस बहुत ज़्यादा कंज्यूम होती है. सो इसलिए मुझे एक एडिट करनी पड़ेगी पहले, फिर ही मैं दूसरी पे काम कर पाऊँगी. सो गाइज बहुत बिजी चल रहा था, हैरी केम फ्रॉम ऑफिस एंड बस पैकिंग में ही लगे रहे लास्ट मिनट डॉक्यूमेंट एंड एवरीथिंग एंड ही जस्ट वेंट ही कॉल्ड अ कैब टू गो एंड ही लेफ्ट नाउ एंड आई एम ऑल अलोन एट होम राइट नाउ. रात को बहुत कम ऐसे इंसिडेंट्स होते हैं कि मैं अकेली होती हूँ, मोस्टली तभी होती हूँ जब हैरी एक या दो दिन के टूर पे होता है. बट दिस टाइम ही इज़ गॉन फॉर अ वीक. सो ये इसीलिए लाइक ये जो टाइम है आई एम गोइंग टू चंडीगढ़. मोर ओवर उधर मुझे काम भी बहुत है जो मुझे मार्च में ही करवाने हैं. सो आई थिंक दिस इज़ द आइडियल टाइम लाइक यू नो कि हैरी ही नहीं है एंड मुझे जो काम करवाने हैं वो मैं भी करवा सकती हूँ अपने मॉम के. या सो दैट्स प्रीटी मच इट. एंड डिनर के लिए हैरी विल बी हैविंग हिज डिनर इन द एयरपोर्ट ओनली. सो मैं देखती हूँ मैगी बनाऊँगी बिकॉज आई डोंट वांट टू प्रिपेयर अ फुल मील टुडे जस्ट फॉर माई सेल्फ. मोर ओवर सब्ज़ी तो वैसे भी नहीं है, दाल दूल मैं नहीं बनाना चाहती. सो आई जस्ट मेक मैगी माई सेल्फ. या
और सुबह आई विल जस्ट मेक सम परौंठे और सब समथिंग लाइक दैट, बिकॉज 10 बजे मेरी बस है एंड आई हैव टू लीव अराउंड 9:15 फ्रॉम हियर फ्रॉम होम टू द बस स्टैंड. सो बस अभी खा पी के सोऊंगी, थोड़ा टीवी देखूंगी, थोड़ी सी एडिटिंग करूंगी, या दैट्स प्रीटी मच इट. थोड़े से बर्तन पड़े हैं वो साफ़ करके सोऊंगी, नहीं तो सुबह मैं इतना सब कुछ नहीं कर पाऊंगी सब कुछ. सो अभी ही काम ख़त्म करके ही मैं सोऊंगी. सो गाइज, आई जस्ट फिनिश्ड एडिटिंग माई सेलिब्रिटी इंस्पायर्ड मेकअप लुक एंड आई वॉज जस्ट रीडिंग द कॉमेंट्स माई प्रीवियस व्लॉग्स. आप लोगों ने, बहुत लोगों ने सही गेस किया, इट्स श्रीदेवी. सो या सो वो एडिट हो चुका है, बस मुझे अपलोड करना है, स्केड्यूल करना है एंड मेरी लैपटॉप की बैटरी एकदम ज़ीरो हो गई थी. सो अभी मैंने उसको चार्ज पर लगाया है. उतनी देर मैं थोड़े से बर्तन साफ़ करूँगी, अपने लिए मैगी बनाऊँगी और उसके बाद आई विल स्टार्ट एडिटिंग माई फैब बैग अनबॉक्सिंग वीडियो, जो कि मैं शायद आज ही डाल दूँ रात को लेट नाइट, या फिर कल दिन में मैं स्केड्यूल कर दूँ. या सो देखते हैं कब डालनी है कब नहीं डालनी, बट पहले थोड़ा सा काम करके एडिट करते हैं फिर देखते हैं क्या करना है. एंड आई एम वेरी एक्साइटेड अबाउट माई श्रीदेवी मेकअप ट्यूटोरियल. और मैंने उसमें स्पेशली डिस्क्लेमर भी डाला कि दैट आई एम नॉट ट्राइंग टू लुक लाइक हर, बिकॉज मुझे कई मेरी सेलिब्रिटी इंस्पायर्ड वीडियोज़ पे ऐसे कमेंट्स आते हैं कि आई एम ट्राइंग टू लुक लाइक हर. आई एम जस्ट डूइंग इंस्पायर्ड मेकअप, यू नो, आई एम इन नो वे ट्राइंग टू लुक लाइक अ सेलिब्रिटी. सो आई लव रिक्रिएटिंग मेकअप लुक्स, इसीलिए मैं करती हूँ. और श्रीदेवी के लिए एंड फॉर श्रीदेवी आई डिड इट बिकॉज it is just like a tribute to her from my side. I think she was a very very good and versatile actor and I always admire her work. Mujhe Shridevi ki movies shuru se hi pasand thi, Peer Chalbaz, Lamhe, I loved that movie Lamhe, mujhe bahut pasand hai. So main hamesha se mujhe Shridevi ki movies achhi lagti thi, acting achhi lagti thi. So it is just like a tribute to her from my side. सो आप कमिंग वीक या फिर उसके नेक्स्ट वीक में ये वीडियो देख पाएंगे. एनी वेज, बहुत बातें हो गई, थोड़ा काम हो जाए अब. जस्ट डन विद द डिशेज एंड माई मैगी इज गेटिंग रेडी, इट्स इन द मेकिंग. सो या सो गाइस, इट्स 12:45 राइट नाउ एंड हैरी की फ्लाइट उड़ चुकी है. सो या आई एम जस्ट गोना लाई डाउन नाउ एंड सुबह उठना है. सुबह मुझे भी जाना है 9 बजे तक. आई ट्राई 9:15 तक घर से निकलने के, बिकॉज 10 बजे मेरी बस है एंड आई हैव टू रीच बस स्टैंड एट टाइम. बैग पैक है बस, आई हैव टू पैक माय लैपटॉप बैग, वो मैं सुबह करूँगी. सो आई एम जस्ट गोना लाई नाउ एंड या आई विल सी यू गाइस टुमारो. आई डोंट नो आप ये ब्लॉग कब तक देख पाएंगे. आई विल ट्राई कि मैं ब्लॉगिंग में भी रेगुलर रह पाऊँ. आई विल ट्राई माई बेस्ट बट आई कांट प्रॉमिस. बाय. गुड मॉर्निंग एवरीवन, हैप्पी संडे. सो आई एम जस्ट अबाउट टू लीव फॉर चंडीगढ़, जस्ट क्लोजिंग डोर्स एंड विंडोज एंड आई जस्ट बुक माई कैब. इट कैन बी हियर एनी मिनट एंड आई एम ऑल रेडी टू गो. I have no makeup on my face except my eyebrows and a lipstick. It's by Sugar Suede Lipstick, the new suede lipstick. Jaldi jaldi mein lagai hai to pata nahi kaisi lagi hai. Anyways, my cab can come any minute. Just switching on the plugs and lights. Yeah. Wi-Fi bhi band kar dun. Yeah. So guys, I just left from Gurgaon in the bus right now. And I'll be reaching Chandigarh around 4 and फिर देखते हैं कि मैं मम्मी के पास जाऊँगी या फिर in-laws के stay करूँगी. I'll tell you. So guys, I think I'll be reaching really late because the driver of this bus is like really slow. There is hardly any traffic in Delhi today because it's Sunday, but he's driving really slow. There is no car in front of us, no traffic in front of us, but he's
slow. So I think I will be reaching around 5:30. So after 1.5 hours, we reached Delhi bus stand. Normally, 1.5 hours में इतने कम traffic में Delhi cross हो जाता है, but अभी हम bus stand ही पहुँच रहे हैं. We are very slow.